चलिए भाई साहब, चैप्टर का नाम बताइए दोस्तों। फव्वारा। चैप्टर का नाम बोलिए। आज हम लोग पोएट्री, आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पोएट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोएट्री में फर्स्ट लेसन का नाम बताइए जो फर्स्ट सिलेबस में द फाउंटेन फव्वारा। इसके राइटर बताइए। जेम्स रसेल लोवेल। जेम्स रसेल लोवेल इनके राइटर है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, राइटर हमें फव्वारे के द्वारा कुछ बताना चाह रहे हैं। फव्वारे के द्वारा कुछ बताना चाह रहे हैं। तो फव्वारे के द्वारा बताना चाह रहे हो, फव्वारे से क्या सीख सकते हो भाई साहब? फव्वारे से आप क्या सीख सकते हो? राइटर हमें क्या बताना चाह रहे हैं? फव्वारा कितने लोग देखे होंगे भाई साहब? पहले फव्वारे के बारे में बताइए। अक्सर आप कहीं मार्केट में गए होंगे या कहीं पार्क में गए होंगे। पार्क में अक्सर देखने को मिला होगा। मूवी वूवी देखते होंगे तो उस मूवी का नाम बताइए जहां पर फव्वारा आया हो। उस गाने का नाम बताइए जहां पे गाना चल रहा हो और पीछे फव्वारा हो। ऐसा कोई गाना का नाम बताइए। नहीं पता है? चांद के पार चलिए, इसमें कहाँ है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए साहब, क्या है? सही कह रहा है। पानी है। आज है पानी है पानी। आज क्या है? पानी ही पानी। ये कहाँ है? आज क्यों है पानी है पानी? अरे यार क्या है यार, किसने आए? नहीं, इसमें गोविंदा का मूवी जो कल बताए थे वो लाल दुपट्टे वाली जरा नाम तो बता है ना? ये वाला देखेंगे ना तो पीछे सीन ये मिलेगा आपको, देखा होगा। नहीं तो अक्सर आप मार्केट में गए होंगे, जैसे पार्क में गए होंगे तो ये देखने को मिला होगा। चलो बहुत दूर नहीं जाते हैं, आप जब सिंचाई करते हो पाइप से तो देखिएगा जहाँ छेद होता है पाइप में क्या निकलता है, वहां से फव्वारा निकलता है ना? उसी फव्वारा की बात हो रहा है दोस्त। वो कंटिन्यूसली लगातार अपने को बनाए रखता है ना? उसी फव्वारा के बारे में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं दोस्त, कुछ सीखने वाले हैं कि फव्वारा हमें किस रूप में सिखाने वाला और क्या सिखाने वाला है। तो चले आगे। तो कहीं भी अगर फव्वारा का नाम अगर आता है, कहीं अगर जाइएगा, जैसे आपको खेत भर सिंचाई कर रहे हो और पाइप फटा है, वहां से निकल रहे होगे, कहते हैं जेम्स रसेल लोवेल है, देखा जेम्स रसेल लोवेल है, देखो यहाँ जा रहे हैं। हाँ वही लिख लिया करिए, बहुत जल्दी याद होगा। ये तरीका बता रहे हैं आपको, जहां फव्वारा दिखाई दे वही उनका नाम ले लीजिएगा। और ये जेम्स रसेल लोवेल आ गया क्या? ओहो, यही तो बताया था हम लोगों को। क्या भाई साहब, कहाँ सिंचाई करोगे तुम, नाम किसका आएगा? आएगा, झूठा ही बोल रहे हैं। जहाँ खेतों में सिंचाई करिएगा या कहीं पार्क में घूमने गए अपने साथी के साथ, ठीक है ना? अपने साथी के साथ, चाहे वो साथी जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकता है, और उनको बोल देना देखो जेम्स रसेल लोवेल ऊपर भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? क्योंकि कक्षा 10 में हमने पढ़ा है ये जो फव्वारा चैप्टर है, ये जेम्स रसेल लोवेल जी ही तो हमें बताए हैं, है ना भाई साहब? तो फव्वारा कहीं आएगा तो क्या जवाब देंगे आप लोग? घर पे सिंचाई करेंगे तो भी अपने छोटे भाई को बहना को क्या बताओगे? देखो जेम्स रसेल लोवेल का ये फव्वारा है। किसका फव्वारा है? इससे हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं बैठा कर बोलना, देखो ये लगातार ऊपर उठ रहा है, लगातार। कैसे उठ रहा है? लगातार। तो चले आगे अब। यस सर। तो चैप्टर में हम एंट्री करते हैं दोस्त। पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अबाउट द पोएट, क्योंकि अगर ये फाउंटेन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो लिखने के, जो लिखा है लिखने वाले के बारे में भी हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए यार। yes. इतने बड़े पोएट है, कम से कम कुछ तो नाम इनका ख्याल क्या कैसे पता तो होना ही चाहिए ना? yes, चलो आगे एक तरफ बढ़े तब। yes, आ जाइए दोस्त अबाउट द पोएट, कवि के बारे में।
चले दोस्त। यस सर। जेम्स रसेल लोवेल, जेम्स रसेल लोवेल 1819-1891 अर्थात जेम्स रसेल लोवेल 1819 में पैदा हुए थे और 1891 प्यारे हो गए। क्या हो गए? प्यारे होने का मतलब समझते हैं ना? अच्छा, इनकी मृत्यु 1891 में हुआ था, ठीक है ना? वाज अ फेमस राइटर, एक प्रसिद्ध लेखक थे, लेखक राइटर है बबुआ, राइटर। वाज अ माने ए, फेमस माने प्रसिद्ध, राइटर माने लेखक, इन द वर्ल्ड संसार के, संसार में ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। चले आगे। ही रोड, वह लिखे अ ईयर ऑफ लाइफ, इनका एक नोवेल है, बहुत बड़ा नोवेल भी है, जो ये उपन्यास अ ईयर ऑफ लाइफ, जीवन का एक साल, जीवन का एक साल, ये उपन्यास है दोस्त। बहुत मजेदार उपन्यास है इनका, ये पढ़कर दिल खुश हो जाएगा, करेजा वहीं नाचेगा। अब इधर, एंड पोयम्स, और कविताएं भी हैं, ठीक है? हिज अर्ली पोएट्री, इनका पहला कविता, इनका पहला कविता, पोएट्री वाली कविता, ठीक है ना? हिज अर्ली पोएट्री, इनकी पहली, अर्ली माने प्रारंभिक, हिज माने इनका, इनका पहला कविता इज फूल, भरा हुआ है, ऑफ नेचर एंड इमोशन, प्रकृति और भावनाओं से, प्रकृति और भावनाओं से भरी हुई है। तो सीधा सीधा कह सकते इनका प्रारंभिक, इनका पहला कविता प्रकृति और भावनाओं से भरी हुई है, एकदम प्रकृति का वर्णन किया गया है, उसमें इमोशन, इमोशन वाली चीजें डाले गए हैं। देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा, किस तरह का इमोशन उठना चाहिए। अभी इसमें, इस चैप्टर में हम खुद देखेंगे किस तरह का इमोशन हमें राइटर सिखा रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। बट अदर पोएम्स, इनका जो पहला था ये बहुत खास है, लेकिन और अदर देखिएगा कैसा है। बट और बट माने लेकिन, अदर माने दूसरा, पोएम्स माने कविताएं, और दूसरी, लेकिन दूसरी कविताएं आर फुल ऑफ पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म का मतलब होता है दोस्तों देशभक्ति, देशभक्ति। तो और लेकिन दूसरी कविताएं देशभक्ति और प्रेम, देशभक्ति और प्रेम फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ठीक है ना? प्रजातंत्र के लिए देशभक्ति और प्रेम से भरी हुई थी दूसरी कविताएं, समझ में आ रहा है ना? भरी हुई है जो दूसरी कविताएं हैं, वह डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए देशभक्ति और प्रेम से भरी हुई है, ठीक है? मतलब और कविताएं जो है ना, वो किसके ऊपर आधारित था? हाँ, प्रेम पर आधारित था, लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए, ठीक है ना? लेकिन इनका पहला जो था वो दोस्तों नेचर और इमोशन से भरपूर था, प्रकृति और भावनाओं से, ठीक है? ही इज मोर नोन, ये अत्यधिक जाने जाते हैं, ये अत्यधिक जाने जाते, ही इज मोर, ये अत्यधिक नोन वाले जाने जाते हैं, ये अत्यधिक जाने जाते हैं एज सजेस्टिव, एज सलाहकार होते हैं ना, सजेस्टिव मतलब सलाहकार जो होते हैं, तो एडजेक्टिव बनाया यहाँ पे, ठीक है ना? एज सजेस्टिव किस रूप में भाई साहब? सलाहकार के रूप में, लिटररी साहित्यिक, साहित्यिक के रूप में, सलाहकार के साहित्यिक रूप में, क्रिटिक आलोचना करते थे,
मतलब जो साहित्यिक रूप से जो सजेशन देते थे उनकी बराबर क्या करते थे? आलोचना करते थे, बराबर बुराई करते रहते थे, बराबर एकदम उनका उजागर कर डालते थे। ये नहीं ऐसा है, नहीं ये ऐसा, ये खराब कर रहा है, इसको ऐसा लिखना चाहिए था। साहित्यिक रूपों में उसका बराबर खिंचाई करते थे कि ये शब्द यहाँ पे नहीं होना चाहिए, भिड़ा दिया गया है। ठीक है ना? क्रिटिक मतलब आलोचना करना, बुराई करना। एंड एज अ लेक्चरर ऑन इंग्लिश पोएट्री, और एज अ लेक्चरर, और लेक्चरर के तौर पर, लेक्चरर होना प्रवक्ता, और प्रवक्ता के तौर पर ऑन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री पर प्रवक्ता के तौर पर, समझ में आया ना? तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम पर आइए, देखिए क्या बोल रहा है। तो ये अबाउट द पोएट, समझ में आया होगा कुछ कुछ? सेंट्रल आइडिया का मतलब दोस्तों इसका भाव होता है, जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उसका ये सारांश है, यही पूरा मीनिंग दे रहा है आपसे। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, कविता का केंद्रीय भाव। सेंट्रल माने केंद्रीय होता है, और आइडिया माने भाव, विचार। ऑफ द पोयम कविता का, कविता का केंद्रीय भाव। चले आगे। द फाउंटेन फव्वारा इज अ वेरी इंस्पायरेशन पोयम, अत्यधिक प्रेरणादायक कविता है। फव्वारा अत्यधिक प्रेरणादायक कविता है। इंस्पायरेशन माने प्रेरणा, पोयम माने कविता, वेरी माने अत्यधिक या बहुत। हाँ, उमंग प्रेरणा, ठीक है ना? द पोएट डिस्क्राइब्स, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है। डिस्क्राइब्स होने वर्णन करना या व्याख्या करना या बताना। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि बताते हैं द फाउंटेन फव्वारा के बारे में। किसके बारे में? फव्वारा के बारे में। इन थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तीन अलग अलग तरीकों से। कवि स्पेक्ट्स का मतलब होता है दोस्त तरीका होता है, घटना होता है। पहलू का नाम सुना है? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब एस्पेक्ट्स होने पहलू होते हैं, मतलब प्रकार। एस्पेक्ट्स होने पहलू, तो कई प्रकार से क्या कर रही है, बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कवि फव्वारे के बारे में तीन अलग अलग तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं, हैं। बताते हैं या व्याख्या करते हैं। इन द सनशाइन, पहला जो अपने पास है तरीका, उन्होंने बताया कि इन द सनशाइन, सूर्य के किसके प्रकाश में भाई साहब? इट इज ब्राइट, यह चमकीला होता है सूर्य के प्रकाश में। तो देखा होगा कि इसके अंदर जब सूर्य का प्रकाश सुबह हो जाएगा तो ये चमकता हुआ नजर आएगा, तो एकदम जैसे लगेगा कि ये भी इसमें लाइटिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? लाइटिंग। अब देखिएगा, खूबी बढ़ा रहे राइटर जी को, कूट कूट कर, कैसे कूट कूट कर फव्वारे का क्या बता रहे हैं? विशेषता। और आपसे, और यह क्या दे रहे हैं आपको? सीख दे रहे हैं, इनसे सीखिए, आप प्रेरणा लीजिए। देखिए अनिर्जीव होते हुए भी ये सजीव हुआ है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चले। इन द सनशाइन इट इज ब्राइट, सूर्य के प्रकाश में ये चमकीला होता है। एंड अपवर्ड, और हमेशा ऊपर की तरफ, लीपिंग, उछलता रहता है। क्या रहता है? उछलता रहता है, और ऊपर की तरफ हमेशा बढ़ता रहता है। एंड ग्लिटरिंग, और चमकता रहता है, ग्लिटरिंग माने चमकना, और चमकता रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और चमकता रहता है। चले भाई आगे। तो ये पहला तरीका इन्होंने बताया, एक पहलू इन्होंने बताया है, अभी दो पहलू बच गए हैं। पहला पहलू समझ में आया है? पहला पहलू किसके बारे में बताया गया, चर्चा किया गया है? फव्वारे के बारे में, लेकिन कहाँ के प्रकाश में? अगला जो है दोस्तों, जो अपने पास है इन द मूनलाइट, और यही पैसे आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 2021 में मस्ट भी आएगा।
100% इसकी गारंटी है, 100% जो है ये लाइन आपको कहाँ मिलेगा, इनटू द मून लाइट, जो दूसरा पैसेज है आपको, इसकी 100% सियोरिटी है, इसका 100% का, इसका 1000% का होगे तो भी ले लेंगे। हाँ, ना इसको तय है, कोई रोकने वाला नहीं है। बोर्ड परीक्षा में बैठिएगा, अभी लाइन बताएंगे कैसे आएगा, कैसे क्या लिखना है, ठीक है ना? यस सर। लेकिन ये वाला जो पंक्ति है इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, चांदनी प्रकाश में, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है इसकी सीमा नहीं है। चलो आगे हम बात बताते हैं, ठीक है? इन द मून लाइट, चंद्रमा प्रकाश में, चंद्रमा प्रकाश में, चांदनी धूप में, चांदनी रात में, ठीक है? Yes, चांदनी के प्रकाश में इट्स अपियर, इट अपियर्स, यह प्रतीत होती है, अपियर्स मैंने प्रतीत होना, दिखाई देना, यह दिखाई देता है, आस स्नोवी बर्फ की तरह, किसकी तरह? बर्फ, स्नो माने बर्फ होता है दोस्त, स्नोवी मतलब बर्फ की तरह, वाइट सफेद एंड स्वेज, और किसकी तरह? स्वेज रिथमिकली, एक लय की तरह, जैसे आगे दिया होगा लाइक फ्लावर्स, जैसे कि फूल की तरह, फूलों की तरह, जैसे फूलों की तरह ये हमेशा क्या रहते हैं भाई साहब, रिथमिक होते रहते हैं, एक लय होता है, फूलों में भी क्या होता है, एक लय होता है, जब ये हवा चलती है तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक लय होता है हिलने का, ठीक है ना? Yes, उसी तरह रिथमिक का मतलब होता है एक लय होना, एक साथ चलना, एक धुन में होना। रिथमिक वर्ड आपको मिलेगा, ये आपको अभी हम समझाएंगे रिथमिक वर्ड क्या होता है इसमें, ठीक है ना? लाइक फ्लावर्स, फूलों की तरह, वेन द विंड रसेस, जब हवा तेजी से चलती है, जब हवा तेजी से चलती है तो ये फूलों की तरह एक लय में होती है, कैसे होती है? एक लय में, एक धुन में, ऐसे ऊपर की तरफ। कभी फूल देखा है जब हवा बहती है तो नाचते वक्त? फूल भी नाचते हैं जब हवा बहती है तब। कौन सा अलंकार होगा? रूपक नहीं, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता है। फूल भी नाचते हैं, एक किससे नाचता तो है इंसान, नाचता तो इंसान है, तो किससे तुलना किया गया? इंसान की तरह, मतलब इंसान से तुलना किया कि इंसान नाचते हैं ना यार, ठीक है ना? और लाइक आने की वजह से लाइक अ फ्लावर, फूल की तरह, तो पर्सनिफिकेशन, ठीक है ना? और वैसे लाइक यूज हो जाएगा तो अपने पास सिमिली भी होता है, क्या होता है? सिमिली भी होता है। सिमिली क्या करता है? सिमिली क्या होता है? When the comparison between two dissimilar things, when the comparison between two dissimilar things is known as simile. But the comparison words as, like, so, having one quality same. पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? नहीं यार, चलो इधर आओ, जाओ, अब सिमिली है, अभी इंटर में मिलेगा आपको, यूट्यूब पे डाला गया है, देख लेना, उस पे है, वीडियो में है, पढ़ाए हैं अभी सिमिली और मेटाफरी तो पढ़ाए हैं। चलिए आगे, रसेस माने तेजी से दौड़ना होता है, ठीक है ना? रस माने तेजी से दौड़ना, अंडर द स्टार लाइट, देखो दूसरा खत्म हो गया, तीसरी की बात हो रहा है अब, और तीसरा कहां किसकी बात हो रहा है भाई साहब? अंडर द स्टार लाइट इट राइजेज, तारों के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में यह उठती है, राइज, यह उठती फॉल्स एंड फॉल्स लाइक स्प्रे, और स्प्रे फव्वारे की तरह गिरती है, फव्वारा जैसे गिरती है उसी तरह ये भी चांदनी रात में भी, तारों की रात में भी क्या होती है, तारों के प्रकाश में भी क्या होती है, फव्वारे की तरह गिरती है, ऑल द टाइम, हर समय, हर क्षण, हर क्षण, इट इज चीयरफुल, प्रसन्न रहती है,
हर क्षण यह प्रसन्न रहती है एंड लाइवली और सजीव रहती है, जिंदा रहती है। लाइवली माने सजीव, जिंदा, ठीक है ना। लाइवली माने सजीव या जिंदा, और यह सदैव कैसा बना रहता है? सजीव बना रहता, प्रसन्न बना रहता है। ऑल द टाइम, हर समय, इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, दिखाई देता है, टू बी एज पायरिंग, हायर एंड हायर। एज पायरिंग का मतलब होता है दोस्तों महत्वाकांक्षी होता है, मतलब हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना, महत्वाकांक्षी जिसे कहते हैं। ऑल द टाइम, हर क्षण, इट सीम्स, यह प्रतीत होती है, टू बी, होना, एज पायरिंग्स, महत्वाकांक्षी, यह हर समय, हर क्षण महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है, हायर एंड हायर, ऊपर की तरफ, यह हर समय ऊपर की तरफ महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है, दिखाई देता है। द पोएट विशेष, पोएट की इच्छा, पोएट इच्छा करता है टू लर्न, सिखाने का, समझ में आ रहा। दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, ये गुण, इन गुणों को सिखाने का प्रयास करना चाह रहा है। कौन करना चाह रहा है भाई साहब? पोएट। तो कह रहा है द पोएट विशेष, पोएट की यानी कवि, कवि का इच्छा है या करता है टू लर्न, सिखाने का, दीज क्वालिटी, इन गुणों को, ऑफ फ्रेशनेस, ताजगी, ताजगी के इन गुणों का, मतलब अब देखिएगा उस फवारे के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। एक तो ताजगी भरी हुई है, चेंज, यह हर समय बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, हर क्षण यह अपना पोजीशन क्या रहता है, बदलता रहता है। फिटनेस, और सही रहता है। कंसिस्टेंसी, लगातार, कंसिस्टेंसी, लगातार। एंड एज पायरिंग, और महत्वाकांक्षी, लगातार महत्वाकांक्षी ये रहता है। फ्रॉम द फाउंटेन, फव्वारे से, फव्वारे से यह लगातार महत्वाकांक्षी, फ्रेशनेस, चेंज, फिटनेस, ये गुड। राइटर जी हमें क्या, कवि जी क्या करना चाह रहे हैं भाई साहब? सिखाना चाह रहे हैं। बोलिए किसको, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो आज हम लोग दो पैसेज, कम से कम दो लाइन तो देखते हैं दोस्त। ये तो जितने भी फाउंटेन मिलेगा, फव्वारा जो अपने पास है, देखिएगा इसमें राइटर जी ना बहुत ज्यादा से ज्यादा तीन या चार वर्ड से ऊपर नहीं मिलेगा, तीन या चार वर्ड से ऊपर नहीं मिलेगा लिखा हुआ चीज, तीन ही चार लाइन में सिमट जाएगा, लेकिन बात बहुत बड़ी बड़ी सिखा के जाएंगे। चार वर्ड से ज्यादा है का? देख लीजिएगा, है ज्यादा, चार ही वर्ड आएगा या इससे कम हो सकता है, लेकिन ये चार ही वर्ड में ना इतना देखना तहलका मच जाता है। चलो तहलका हम लोग मचा रहे हैं अब। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, इनटू माने में, कोई चीज गतिशील होता है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं ना, द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, समझ में आ रहा है दोस्त? तो सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट, फुल माने पूर्णता, ऑफ द लाइट, प्रकाश, मतलब ये जब ये सूर्य का प्रकाश होता है तो ये पूर्ण रूप से जो फव्वारा होता है एकदम लाइट होता है, इसमें चमक होता है, क्या होता है, पूर्णता प्रकाश में, पूर्णता प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो फव्वारा एकदम चमक में होता है। उस किसकी चमक नहीं भाई, सूर्य की चमक नहीं बोल रहा है, उस फव्वारे की चमक की बात हो रहा है, फूल ऑफ द लाइट। फव्वारा कैसे होता है, पूर्ण चमक में होता है, तब उसका भी चमक देखिएगा ना गनगना आ जाता है। कभी देखा है जब चमकता रहता है कहीं तिराहे पर एकदम धूप में, वहां कुछ पेड़ नहीं रहता है, फिर फव्वारे का रूप देखना एकदम चमचमाता हुआ निकलेगा। और यहाँ पे गलत लोग मीनिंग निकालते हैं, ठीक है ना, फूल ऑफ द लाइट कहेंगे सूर्य का पूरा प्रकाश हो जाएगा, तब ये बात नहीं कह रहा है दोस्त, यहाँ पे किसकी बात, इसीलिए बोला थोड़ा सा अलग ही चलेंगे लेकर। और आपको सबसे पहला जो काम बता रहे हैं द फाउंटेन,
अबाउट द पोएट जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, ना ही सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जल्दी कोई पढ़ाता है। हम चाहे पोएट्री पढ़ाए, चाहे प्रोज पढ़ाए, चाहे कोई भी पढ़ाएंगे, पहले राइटर के नाम जानना बहुत जरूरी है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और कहानी के थोड़ा सा शीर्षक जानना जरूरी है, उसके बाद हम चैप्टर पर एंट्री करते हैं, है ना? यस सर। चलो आगे। तो इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, गुणता चमकती हुई। सूर्य के प्रकाश में जब आता है फव्वारा तो कैसा दिखाई देता है दोस्त? पूर्ण रूप से चमक हो जाता है, इसमें भी फव्वारे में भी। लीपिंग, उछलती हुई, चमक रहता है और दिखाई देता है कैसे? उछलते हुए, मतलब आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए। एंड फ्लैशिंग, चमकते हुए, उछलते हुए, चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम माने से, मॉर्न माने सुबह, टिल माने तक, नाइट माने रात। सुबह से रात तक उछलती रहती है और चमकती रहती है, एकदम चमक के साथ, अर्थात यह निरंतर अपनी गति करती रहती है। किसके बारे में बताया गया दोस्त? फव्वारे के बारे में। बोलो क्या दिक्कत आया पहले वाले में, कोई समस्या, ऐसा वर्ड जो नहीं समझ में आया है, फिर से समझाया कि आ गया है? आ गया है, आ जाओ दोस्त। अगला अपने पास है बहुत ही शानदार पैसेज जो बताया गया 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2021 के लिए इनटू द मून लाइट। 2021 में आपको आएगा ही यही बोर्ड में मिलेगा दोस्त, इसको लिख कर आना। आएगा छोड़ के आएंगे कि लिख कर आएंगे? छोड़ करना, हाँ छाप कर आएंगे। चलिए वो तो हम भी देखेंगे, आ जाओ अभी गेस कराएंगे, लेकिन ऐसे बता दे रहे हैं नॉर्मली, लेकिन 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। चले आगे। इनटू द मून लाइट, चांदनी रात में, चांदनी रात में। हाँ भाई सर, समझ में आ रहे? यस सर। किस रात में? चांदनी रात में। किस रात में? चांदनी रात में। मून लाइट चांदनी रात में। वाइटर माने सफेदी, सफेद ना। अब यहाँ पे देखो तुलना हो रहा है, आगे दैन लगा है, व्हाइट माने सफेद होता है, व्हाइटर सफेदी, ठीक है ना? yes, तुलना हो रहा है। जाओ आगे बढ़ो, व्हाइटर दैन स्नो, सफेद दैन स्नो माने बर्फ से, बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। चांदनी रात में बर्फ से ज्यादा सफेद होता है, कौन होता है भाई साहब ऐसा? चांदनी रात। हाँ तो एक्सप्लेनेशन भी तो है वैसे। चलिए इनटू द मून लाइट, चांदनी रात में, व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद। देन माने ज्यादा, तुलना के लिए हो रहा है, स्नो माने बर्फ होता है दोस्त, तो जरा बताना मुझे, बर्फ से भी ज्यादा सफेद होती है, कौन होता है भाई साहब? चांदनी। चांदनी नहीं, फव्वारा। कहाँ दिमाग है, फव्वारा ना होता है जो, फव्वारा होता है चांदनी रात में, बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। देखिए क्वालिटी, ऊपर वाला क्वालिटी समझ में आए तो नीचे वाले भी तो आना चाहिए। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेव माने हिलना, क्या होता है? लहराना, लहराती, जब खीरा चलती है तो लहरा के चलती है ना, हाँ तो उसकी बात हो रहा है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, सो माने इस, इसकी तरह, फ्लावर लाइक फूलों की तरह, फूलों की तरह लहराती है। When the wind blows, जब हवा चलती है, जब हवा बहती है, when माने जब, the wind माने हवा, blow माने बहना, जब हवा बहती है, ये फूलों की तरह लहराती है, चांदनी रात में, ये बर्फ से भी ज्यादा सफेद होती है। बोलिए भाई साहब, ये पैसे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? और एक को चले, स्टॉप लगा दे, स्टॉप लगा दे, ठीक है। अच्छा तब पढ़ के आइएगा बाकी।